नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मेरा नाम सुरेंद्र वर्मा है। आज हम अभी प्रॉपर्टी आपको दिखाने जा रहे हैं। ये है छन्नी के 60 फुट रोड पे, सेक्टर 5 में, रेंट के लिए बहुत ही बढ़िया फर्स्ट क्लास से 3 BHK बना हुआ। इसका मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। ये ग्राउंड फ्लोर पे है, तो ग्राउंड फ्लोर पे सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे ये इस घर में कितना अच्छा जो लॉन दिया जा रहा है। ये देखिए, इसमें बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रीनरी है और पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इसमें आप यहाँ बैठ के नेचर का पूरा मज़ा ले सकते हैं। और इसके यहाँ लॉन ख़त्म होते ही हमारे ड्राइंग रूम की एंट्री स्टार्ट हो जाती है। वो ड्राइंग बंद करना। लॉन का पोर्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आप लॉन बड़े अच्छे तरीके से बना हुआ है, वेल मेंटेन्ड है। और लॉन के साथ घर की एंट्री हम करते हैं ड्राइंग रूम के थ्रू। ये देखिए, आप ड्राइंग रूम यहाँ स्टार्टिंग में ही बना हुआ है और इसको आप चाहें तो ऑफिशियली यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ इस घर का स्पेशियस लॉबी। ये आप देखिए, यहाँ पे सारा आपको लॉबी का पोर्शन दिखाया जा रहा है। इसमें डाइनिंग टेबल वगैरह सब सेटअप किया हुआ है, जो हम साथ में इसके प्रोवाइड कर रहे हैं टेनेंट्स को। और उसके बाद हम एंटर करते हैं किचन में। किचन में आप देखिए, यहाँ सारे अलमीरस वगैरह बनी हुई हैं और ये एग्जॉस्ट के लिए भी सारा एग्जॉस्ट का सारा सिस्टम बना हुआ है। और उसके साथ साथ ये आप देखिए, यहाँ पे गैस स्टोव भी प्रोवाइड किया जा रहा है विद सिलेंडर। और उसके साथ ये अलमीरास वगैरह भी बनी हुई हैं ताकि आप अपने सामान को स्टोर वगैरह कर सकें। जूसर मिक्सर ग्राइंडर भी दे रहे हैं, एक बहुत अच्छा फ्रिज दे रहे हैं, उसके साथ किचन में भी एक छोटा सा गीज़र लगा हुआ है। ओहो, किचन का पोर्शन दिखाने के बाद एक बार व्यू मैं आपको फिर से दिखाऊंगा लॉबी का। ये लॉबी का व्यू दिखाते हुए है मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा लॉबी के साथ जो हम अटैच वॉशरूम इसके साथ दे रहे हैं। वो ये है कि जो भी गेस्ट वगैरह लॉबी में बैठे हुए हों वो इस वॉशरूम को यूज़ कर सकें। और उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट बेडरूम। ये देखिए, मास्टर बेडरूम बना हुआ, वार्डरोब वगैरह बहुत अच्छे तरीके से बने हुए हैं, कर्टन्स लगे हुए हैं, फैंस वगैरह लगे हुए हैं और एक एसी भी लगा हुआ, वर्किंग एसी है। इसके साथ ये हम दे रहे हैं सारा कुछ विद एक सोफ़ा सेट लगा हुआ है। उसके साथ ये आ गया इस बेडरूम का वॉशरूम। सबसे पहले ये ड्रेसिंग एरिया, ये आप देखिए, इसमें भी वार्डरोब वगैरह बना हुआ है। और इसके साथ वॉशरूम, स्पेशियस वॉशरूम है, गीजर फिटिंग है इसमें। ये देखिए आप, इसको अच्छी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ इस बेडरूम में फिर हम एंट्री करते हुए आपको ये एक पोर्शन दिखाएंगे। ये देखिए, ये स्टोर है इस घर का। तो स्टोर में भी आप अपना जितना भी स्पेयर स्पान वगैरह है सारा इसमें आप कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे एक कंप्यूटर टेबल भी रखा हुआ है, वो आपकी यूटिलिटी के लिए, जैसे मर्जी आप यूज़ करना चाहें इसको, आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो देखिए, आप यहाँ से हम निकलते हैं, इस रूम से बाहर निकलते हुए अब हम लॉबी के पोर्शन के थ्रू फिर एंटर करते हुए, ये आप देखिए, यहाँ पे छोटा सा पूजा रूम भी बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पे पूजा पाठ कर सकते हैं। ये देखिए, इसका घर का बहुत बढ़िया पूजा रूम बना हुआ है। और उसके बाद सेकंड बेडरूम में हम एंटर करते हैं। इसमें भी देखिए आप, वार्डरोब वगैरह बने हुए, अच्छे तरीके से बने हुए, वुडन का काम किया हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से, ये आप देख सकते हैं। अच्छे तरीके से आपके कपड़े वगैरह यहाँ रखे जाएंगे, कर्टन्स वगैरह लगे हुए हैं, फ़ैन लगे हुए हैं। इस बेडरूम में भी एसी फिट है और टीवी भी रखा हुआ है। और इसके साथ ये हम देखेंगे, दिखाएंगे आपको इस बेडरूम का वॉशरूम। ये देखिए वॉशरूम, इस वॉशरूम में भी गीज़र फिटिंग है,
विद ऑल द एमिनिटीज। एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, आपको किसी किस्म की कोई इसमें कमी नहीं नज़र आती। तो इसलिए इसके साथ साथ हम लॉबी का पोर्शन से फिर होते हुए ये एक मैं बैकयार्ड आपको एरिया दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लॉबी से ही इसकी एंट्री है और ये देखिए ये पोर्शन जो है क्लोज ड्राइंग के काम आ सकता है। आप सुबह शाम यहाँ बैठ के बाहर का मज़ा ले सकते हैं, लॉन्ड्री वगैरह का काम कर सकते हैं। ये करते हुए हम ये आपको सारा पोर्शन दिखाते हैं। तो और इसके साथ ये इस घर की जो है एंट्री हमने ड्राइंग रूम के थ्रू की थी और ये है मेन एंट्री, ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये आ गई मेन एंट्री, दोनों तरफ से एंट्री कर सकते हैं आप एज जैसे आपकी जैसे आपको सूट करता हो। और उसके साथ क्या है कि टेनेंट्स को हम यहाँ पे एक कार पार्किंग की फैसिलिटी भी दे रहे हैं। तो आपको जैसे इस घर की फैसिलिटीज़ मिलने वाली सारी मैंने बता दी, डिटेल में बता दी आपको। अब बात हम करते हैं इस घर की पोर्शन की रेंट की। तो रेंट जो है वो बड़ा नॉमिनल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉश कॉलोनी है, छन्नी में रेनाउंड एरिया है, तो इसलिए इसका जो रेंट है वो 30,000 है पर मंथ, 30,000 पर मंथ। और उसमें एक्स्ट्रा मेंटेनेंस वगैरह चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो एक्स्ट्रा हो गया एज़ पर योर यूटिलिटी। तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसमें आप जैसे आप यूज़ करेंगे आपके यूजेज पर वो डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा। तो बाकी जो यह बिल्कुल मेन मार्केट में प्राइम लोकेशन है, हाईवे के पास है बिल्कुल, तो आप कहीं पे भी सेंट्रल प्लेस है सिटी का, कहीं पे भी आपको जाने आने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स वंस।